तुम्हारे सहकर्मी जब तुमसे कुछ बोलते हैं तो चुप रह के आंसू बहाने और रोने की जगह चट्टान की तरह उनका सामना करो। ये जब से आनंदी आई है ना, एक कुमुद मैडम ने फील्ड का इंचार्ज उसे बना दिया है। जो ऊपर की कमाई हो जाती थी किसानों से किस्त के बहाने, वो सब बंद है अब। वो कह रही थी कि जो आदमी आने वाले हैं ना, वो लोग नहीं आ रहे, इसीलिए हम लोगों को फील्ड जाने को कहा है। नमस्कार जमींदार बाबू। हमारा काम किए कि नहीं? जी जमींदार बाबू, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। ले लीजिए जमींदार बाबू। शाबाश, काम सफाई से किया हो ना, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं जमींदार बाबू, काम बिल्कुल सफाई से किया है, किसी ने हमको देखा तक नहीं। शाबाश मेरे से, ये लो तुम्हारा इनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार बाबू। अब आप देखना, कल ऑफिस में ऐसा हंगामा करेंगे कि आनंदी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ड्रामा करने में कोई कसर मत छोड़ देना, आनंदी इस पर हर हाल में जेल जानी चाहिए, तभी हमारे मन को सुकून मिले। बिल्कुल जमींदार बाबू। ठीक है तुम जाओ। ए, ये नोटों की गड्डी आनंदी के घर में सही से रखवा दो, और हाँ, काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए जिससे किसी को शक भी ना हो। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। और आनंदी चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर जाएगी, समझे? जी मालिक। अब तेरा क्या होगा आनंदी? अरे फुलवा चुप हो जा, माई के बोलने से और किसी और के बोलने से क्या होता है? हमारी शादी तब होगी जब हम चाहेंगे, जब हम चाहे ही नहीं करेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम तुमको छोड़ के दूसरा ब्याह नहीं करेंगे फुलवा, चाहे तुम्हारे कोख में बच्चा हो या ना हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए सौतन ब्याह के नहीं लाएंगे, हम पर भरोसा रखो। अभी ये सब बोलने से क्या फायदा? आज तुम्हारी माई लड़की वाले के माँ बाप को बुला के तुम्हारा शादी पक्का करा रही थी, लेकिन उसी समय आनंद ने वहाँ जा करके हिम्मत दिखा करके उन लोगों को भगा दिया वहाँ से। हमारे आते ही माई ने हमको सब कुछ बता दिया, और हम भी माई को जितना भला बुरा बोलना था बोल के आए हैं। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, माई जो करती है वो करने दो, लेकिन हमको जो करना है वो हमको पता है। हम तुमको छोड़ के किसी दूसरे डायन के पल्लू में नहीं बनने वाले हैं।
अरे ओ पीताम्बर जी मालिक जरा उस दिन कुछ बोल रहा था ना तू डॉक्टर के बारे में क्या बोल रहा था हम बोल रहे थे कि हम पत्नी को मायके ले जाने के बारे में सोच रहे थे वो बहुत दिन से अपने माए बाप से नहीं मिली है कुछ पैसे की मदद मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती मालिक अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम हमसे अनाज और पैसा मांगे थे ना मालिक घर में खाने पीने की दिक्कत थी तो वो कुछ अनाज के लिए गुहार लगाए थे मगर आप नाराज हो गए थे और ठीक है पैसा तो हम तुमको देंगे नहीं अभी अपनी पत्नी से बोलो कि कुछ दिन बाद मायके जाने की सोचे अभी हम तुमको घर के खाना खर्चा के लिए कुछ अनाज दे देते हैं उसी से काम चलाओ जैसी आपकी कृपा मालिक हम तो आपके दास हैं मालिक आप जैसे रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे मालिक लेकिन साग सब्जी के लिए कुछ पैसे मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती मालिक साग सब्जी खाना तो जमींदारों और पैसे वालों के लिए है और नमक रोटी से ही अपने घर का गुजारा करो सब्जी और घी दूध खाने के सपने मत देखो अनाज दे रहा हूं तो तुम्हारा मन बढ़ गया है चलो भागो यहां से अच्छा सुनो शाम को घर जाते समय गोदाम से मैनेजर से अनाज ले लेना हम उसको बोल देंगे जी मालिक ठीक है जाओ काम करो जो आदेश मालिक अरे ओ मैनेजर शाम को पीताम्बर तुम्हारे पास अनाज लेने आएगा 20 किलो अनाज दे देना उसे और सुनो पता है ना क्या करना है हाँ मालिक अच्छे से ध्यान है आप चिंता मत कीजिए हम अपना काम कर लेंगे शाबाश शाबाश मैनेजर साहब हम आ गए हैं कौन सी बोरी लें कौन सी का मतलब भरी बोरी मिलेगी का ये बोरी उठाओ यहाँ से चलते बनो जमींदार साहब की मेहरबानी है जो तुम्हारे गरीबी पर तरस खाकर वो ये अनाज भी दे दिए हाँ वो बात तो आप सच बोले मैनेजर साहब वही तो हमारे माए बाप हैं और हमारे अन्नदाता हैं मैं जब आपको एक बात बोले हम इस बोरी में अनाज कुछ कम लग रहा है कुछ और दे दीजिए ना 5 आदमी का परिवार है इससे काम नहीं चलेगा अरे हम पहले ही बेसी अनाज दिए हैं तुमको अगर जमींदार बाबू देख लेंगे तुमको अनाज भी नहीं देंगे और हमारा जो बुरा हाल करेंगे वो अलग है अब जल्दी से ये बोरी उठाओ और घर लेके जाओ अभी ऐसा ना हो ये बोरी भी ना मिले ऐसा मत बोलिए मैनेजर साहब हम तो आपसे अपना जान के प्रार्थना किए हैं एक गरीब परिवार की हालत को एक गरीब आदमी ही समझ सकता है इसीलिए हम प्रार्थना किए थे लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने से कोनो फायदा नहीं पीताम्बर बात में समय बर्बाद मत करो बोरी उठाओ और जाओ जल्दी से हमको बहुत काम पड़ा जैसी आपकी इच्छा मैनेजर साहब
ये हमारी संस्था है ही इसलिए कि हम गरीब किसानों की मदद करते हैं। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे दिए हुए रुपए सिर्फ आप खेती में ही उपयोग करें, नहीं तो आपको किस लौटाने में दिक्कत होगी और हमारी संस्था आपकी मदद आगे से नहीं करेगी। मैडम जी, हम तो खेती की मदद मांगने ही आए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक दो केसेस में हमें ये बात पता चली है कि हमारे दिए हुए पैसे लोगों ने अपने जरूरतों को पूरी करने के लिए खर्च किए हैं। हम इस संस्था के जरिए ग्रामीण किसान मजदूरों की आर्थिक हालत सुधारने और उनकी खेती की जरूरतों को पूरी करने के लिए धन देते हैं, जिसे किसान मामूली ब्याज देके हमें लौटाते हैं। और इस तरह हमारा समाज सेवा का काम चलता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? हमसे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दीदी, आपको मैडम जी ने केबिन बुलाया है। ठीक है। जी दीदी, आपने बुलाया। आनंदी, जो हमने तुम्हें रुपए दिए थे वो इन्हें ला करके दे दो और इनसे पेपर पे साइन करवा लो और बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करवा लो। ठीक है दीदी, हम अभी लेकर आते हैं। हमने कल ही तो रुपया यहाँ रखा था, फिर कहाँ गया रुपया? सारे फाइलों को भी हटाकर हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमने रुपये तो यही रखा था, हमको अच्छी तरीके से याद है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमने तो पैसे यहीं रखे थे, पैसे कहाँ गए?
हमने कल ही तो रुपया यहाँ रखा था, फिर कहाँ गया रुपया? सारे फाइलों को भी हटाकर हमने हर जगह ढूंढ लिया। हमने रुपये तो यहीं रखा था, हमको अच्छी तरीके से याद है, और अलमारी का ताला भी लगाया था। कल से हमने आज ही अलमारी खोला है, फिर कहाँ जा सकता है ये रुपये? नंदी, बहुत ही परेशान लग रही हो। बहन, परेशानी की ही बात है। वो जो दीदी ने कल हमको 1 लाख रुपया दिया था ना, हमको अच्छी तरीके से याद है, हमने इस अलमारी में रखा था उसको, और ठीक से बंद भी किए थे, हमको अच्छे तरीके से याद है, चाबी अपने पास ही रखे थे। लेकिन अब जब दीदी ने रुपए मांगे और हमने अलमारी में आके चेक किया तो अलमारी में रुपए ही नहीं है। अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है आनंदी? अगर पैसा रखे हैं तो यहीं पे होंगे। तुमने ठीक से तो चेक किया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने हंसी हंसी में उठा लिया हो, या फिर मजाक में रख लिए हो परेशान करने के लिए? आप सब लोग सुनिए, इधर आइए। किसी ने आनंदी की सीट पे या किसी अन्य जगह पे 1 लाख रुपया रखा देखा? हंसी मजाक करने के लिए उठाया है का? कहा है ना कि कल जो आपने 1 लाख रुपए हमको दिए थे ना, अब जब आपने मांगा ना तो हमने देखा तो उसमें रुपए नहीं है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। देखिए, आनंदी ने कुमुद मैडम का दिया 1 लाख रुपया इसी अलमारी में रखा था, ऐसा आनंदी का कहना है। पर हो सकता है आनंदी गलती से उसे अपनी सीट पर, टेबल पर या किसी अन्य जगह पर रखकर भूल गई हो। तो
किसी भी भाई बहन ने अगर पैसा उठाया है आनंदी को परेशान करने के लिए तो लौटा दीजिए। आनंदी बेचारी बहुत परेशान है। वो जो आदमी पैसा लेने आया है वो भी कुमुद मैडम के कैबिन में ही बैठा है। मैं अभी 2 मिनट में आती हूं। कितनी देर लगा दी तुमने रुपए लाने में? सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ क्यों खड़े हो? क्या बात है, सब खामोश क्यों है? क्या हुआ यहाँ? दीदी क्या है ना कि कल जो आपने 1 लाख रुपए हमको दिए थे ना, उनको अच्छी तरीके से याद है, हमने इसी अलमारी में रखा था। पर अब जब आपने मांगा ना तो हमने देखा तो उसमें रुपए नहीं है। लॉकर की चाबी तुम्हारे पास थी तो? दीदी हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। मानते हैं हमको पैसों की जरूरत है लेकिन इसके लिए हम चोरी नहीं करेंगे। वो सब तो अभी पता चल जाएगा। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, ब्राउनजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे
1,00,000 रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लान, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1-800-11-3060 और 1-800-11-3061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाएंगे किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।